हमारे साथ युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी नंद किशोर जी हैं। सर, जिस तरह से कन्हैया प्रचार कर रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में, और उन्होंने साफ साफ सीधे तौर पर कह दिया है कि मनोज तिवारी जो है 10 सालों में कोई जो जनता से जुड़े मुद्दे जनता के लिए कार्य नहीं किया है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि पिछले 10 साल माननीय मनोज तिवारी जी का सांसद के रूप में जो कार्य है वो सराहनीय कार्य है, और उससे पूर्व में कांग्रेस के यहाँ से सांसद हुआ करते थे जेपी जी अग्रवाल जी, और उससे पहले भी कांग्रेस के सांसद यहाँ पर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके कांग्रेस के समय में यहाँ कितने केंद्रीय विद्यालय थे? आपने यहाँ पे मेट्रो के लिए क्या किया? जो जमुना पार आदमी जाना नहीं चाहता था, आज वहाँ फ्लाईओवर और पुल देने की वजह से जाम की जो समस्या थी, जो घंटों जाम में लोग फंसते थे, उससे लोगों को निजात मिला है। 3 केंद्रीय विद्यालय, एक अनाउंस हो चुका है, एक बनकर खड़ा है, और एक बुराड़ी में हम लोगों को भी एक केंद्रीय विद्यालय मिल चुका है, जो जमीन पर काम दिख रहा है, चालू है, उसमें ऑलमोस्ट मिट्टी भर चुकी है। मेट्रो के लिए हमें इतनी दूर जाना पड़ता था, आज बाईपास पर हमें मेट्रो मिल गई है। अनेकों ऐसे काम, चाहे गरीब को सिलेंडर बांटने का काम हो, चाहे किसी गांव में जो गांव के एरिया पड़ते हैं वहाँ शौचालय की अगर कोई समस्या हो, किसी भी समस्या को नज़रअंदाज ना करके प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं हैं और जो मोदी जी के कार्य थे जिनको ग्राउंड लेवल पे लाना था, माननीय सांसद जी द्वारा हर प्रत्येक कार्य अच्छे तरीके से किया गया। इतनी लंबी लिस्ट है कि काम गिनवाते थका सकते हैं, इतनी लंबी लिस्ट है। अब कोई ना माने तो उसके ऊपर तो कोई प्रक्रिया ही नहीं। आप कह रहे हैं कि सांसद जी ने काम किया, वो कल रैली, हम काम के आधार पर ही वोट मांग रहे हैं, लेकिन रैली कल वो कर रहे थे और चौथे पुस्ते की उन्होंने बात की है कि जो चौथा पुस्ता है उसका चौड़ीकरण करने के लिए 10 साल से मनोज तिवारी जी ने बात कही थी, लेकिन आज भी जो बुराड़ी का एरिया और चाहे जाम का और चाहे उधर आप देखिए, जाम किस वजह से लग रहा है आपको ये समझना पड़ेगा। जाम लगने की समस्या है दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार के सीवर की जो व्यवस्था है उसकी वजह से जगह जगह गलियों को खोद दिया गया है और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। लोगों को यही नहीं पता कि ये काम जो भी है वो सारा काम विधायक जी का है, केजरीवाल जी का है। केजरीवाल जी जब जेल में बैठे हुए थे तो काम कौन करेगा? दिल्ली को ठप कर दिया है। शराब बेचने से जब फुर्सत मिलेगी तब विकास होगा ना साहब। अब केजरीवाल जी की बात करें, मान दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री हों, जैसे ही जेल से बाहर आते हैं और उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों और देश के लोगों को मैं 10 गारंटी दे रहा हूं कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार जो बनती है तो हम ये गारंटी जो है 10 की 10 पूरी करेंगे। उन गारंटियों को देखिए, मैं आपको बताता हूँ, गारंटी सिर्फ आज एक राजनेता की गारंटी पर पूरे विश्व को विश्वास भी है और गर्व भी है, वो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनकी गारंटी पर लोगों को विश्वास है। रही बात केजरीवाल साहब की, इनकी किसी भी बात पर लोगों को विश्वास नहीं रहा। ये जिस कांग्रेस को हटा के सत्ता में आए थे, अपने बच्चे की कसम खाई थी, इन्होंने कार्यकर्ता तक अपना, इनका कार्यकर्ता प्रतिदिन पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी से जुड़ा था, और भ्रष्टाचार में लिप्त मुख्यमंत्री जब पाए जाते हैं, जो आदमी बच्चों की कसम खा के उसी कांग्रेस के साथ चले गए, सब उनकी गारंटी को कोई मान्य नहीं है। आज उनकी गारंटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर उनका कोई काम है नहीं, बिल्कुल धरातल पे वो जीरो हो चुके हैं, उनकी विदाई तय है। दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीटें हैं और 7ों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है कि कितनी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर जीत जाए? दिल्ली में 7ों की 7ों सीटें प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली के वासी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जिता के भेजने वाले हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली की 7ों सीट हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। हमारे जो देवतुल्य कार्यकर्ता है भाजपा के, जमीनी स्तर पर, बूथ स्तर पर बड़ी
मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, हमारा शेष नेतृत्व भी काम कर रहा है, परंतु हमारा जो बूथ का कार्यकर्ता है, हमारा जो मंडल का कार्यकर्ता है, वो निरंतर अपनी मेहनत से जो पार्टी को बनाता है वो पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ लगा हुआ है। और मैं आपको उसी विश्वास के साथ कहता हूँ कि हम दिल्ली की 7 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। एक आखिरी सवाल स्वाति मालीवाल का के ऊपर। हाँ, आप अभी स्वाति मालीवाल की आपने बात करी, तो मैं यही गारंटी है, ये मुख्यमंत्री साहब की गारंटी है, जो महिला की सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा की बात करते हैं और अपने घर पर एक महिला को पिटवाते हैं, अपने पीएस से बुलवा के महिला को पिटवाते हैं और मिलते तक नहीं है। एक महिला उनके पास गई थी मिलने के लिए, पिटने के बाद राज्यसभा सांसद है एक। अच्छा, ये समझिए, जो इतने बड़े पद पर बैठी हुई महिला है, जब ये उनको नहीं बकस रहे हैं तो ये छोटे गरीब तबके के लोगों की क्या हालत करेंगे, क्या ये इज्जत करेंगे, क्या रिस्पेक्ट करेंगे महिलाओं की। वैभव कुमार जी मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास से गिरफ्तार किए गए हैं, कैसे देख रही है भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को? ये तो स्पष्ट हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि ये केजरीवाल साहब ने ही करा है, करवाया है, डायरेक्ट ना करके उन्होंने ही पिटवाया है। उनके मन में कुछ ना कुछ स्वाति मालीवाल जी के प्रति ऐसी कुछ ना कुछ बात है या कुछ एक। अच्छा, ये समझिए, जो इतने बड़े पद पर बैठी हुई महिला है, जब ये उनको नहीं बकस रहे हैं तो ये छोटे गरीब तबके के लोगों की क्या हालत करेंगे, क्या ये इज्जत करेंगे, क्या रिस्पेक्ट करेंगे महिलाओं की। वैभव कुमार जी मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास से गिरफ्तार किए गए हैं, कैसे देख रही है भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को? ये तो स्पष्ट हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि ये केजरीवाल साहब ने ही करा है, करवाया है, डायरेक्ट ना करके उन्होंने ही पिटवाया है। उनके मन में कुछ ना कुछ स्वाति मालीवाल जी के प्रति ऐसी कुछ ना कुछ बात है या कुछ लेन देन है, ये तो स्पष्टीकरण अभी बाद में पता लगेगा जांच के बाद, परंतु ये स्पष्टीकरण है कि उन्होंने घर पर बुला के पिटवाया है और उन्होंने उसको संरक्षण दिया है, छुपाया है अपने घर में, ये स्पष्ट हो गया है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इनकी दाल गलने वाली कहीं भी नहीं है, ये सब भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये सब सिर्फ अपनी जेब भरना चाहते हैं और इनका कोई एजेंडा नहीं है, ना ये महिला का सम्मान करते हैं, ना ये देश का सम्मान करते हैं, इन्हें तो सिर्फ अपनी रोजी रोटी, अपनी दुकान चलाने, राजनीतिक दुकान चलाने से मतलब है और इन्हें कुछ भी मतलब नहीं है जनता से। बहुत बहुत शुक्रिया।